का अगर हुआ तो आई मैसेज यू, इसलिए आज नहीं होगा, सीधा टेस्ट ही है कल। कैन मैसेज मी व्हाटएवर डाउट्स यू हैव। ओके, टुमारो टेस्ट इज सेम टाइम ऑफ 4 to 7, जस्ट लाइक लास्ट टाइम, 4 to 5:30 एंड 5:30 to 7। 3 problems, 35 marks, one of normal type with journal, and the other two are from single, double and all partner insolvency, कोई भी दो आ सकते। कल सुबह एग्जाम है, कल क्या कल सुबह? एग्जाम में बहुत चेक करते सॉल्व करना है कुछ, घर पे सॉल्व करो, मेरे को भेजो, चेक करने के लिए भेजना है तो व्हाट्सएप पे भेजो फटाक से, आई चेक इट एंड गिव। बट डू प्रैक्टिस एटलीस्ट 8 to 10 sums यू प्रैक्टिस, नहीं। राइट एंड सॉल्व। I'm on all the videos on. All videos on. सर एक हाँ बोल। इंजन ऑन लो है, इंजन ऑन तो है, तो हाँ वहाँ पे कोई एंजन आ गए बड़ी मतलब बोलो पार्ट हो गए ना। इंसॉल्वेंसी में हाँ पहला डेबिट माइनस क्रेडिट करवानो, नहीं 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 ठीक है, तो समझो कि खाली एक बाकी है। हाँ एक ही इंसॉल्वेंसी। एक ही इंसॉल्वेंस है, तो वहाँ पे क्या भाग जाओ पड़े बैंक अकाउंट आउट से। अच्छा, हाँ अकाउंट यू विल हैव फर्स्ट रियलाइजेशन, सिंगल पार्टनर हाँ इंसॉल्वेंसी, सिंगल ऑल पार्ट पार्टनर इंसॉल्वेंसी, नहीं सिंगल सिंगल पार्ट। सिंगल માં તો બધા સેમ જ છે, રિયલાઇઝેશન हाँ અને પાર્ટનર લોન હોય તો પાર્ટનર લોન, પાર્ટનર કેપિટલ અને કેશ બેક, નો એક્સ્ટ્રા અકાઉન્ટ, ચારે और इसमें। जर्नल एंट्रीज में खाली इंसॉल्वेंसी जो सिंगल पार्टनर होता है उसमें तो जर्नल जो आता नहीं है, तो उसमें एंट्री में क्या है, पहले डेबिट माइनस क्रेडिट करने का उसका, समझो डेबिट माइनस क्रेडिट आया 50,000, उसमें से 10,000 लेके आया तो बाय बैंक 10,000 बचा 40, 40,000 विल बी डिवाइडेड बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर, 40,000 इन पीएसआर। ओके, करे शुरू एनपीओ, ऑल वीडियोज ऑन, ऑफ वीडियोज विल बी आउट। अच्छा, टाइम स्लॉट्स आर सेम फॉर टुमारोज टेस्ट, 4 to 5:30 एंड 5:30 to 7। लास्ट टाइम जो लोग 4 to 5:30 आए थे, 4 to 5:30 आना है, 5:30 to 7 वाले 5:30 to 7 आना है। ओके, इधर से उधर उथल पुथल मत करना, गर्दी किधर बढ़ जाएगा तो वापस दूसरे स्लॉट में शिफ्ट होना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? सर अब हाँ बोलो। मैं अभी बाहर हूं तो मैं वीडियो ऑफ रखोगे? वीडियो ऑन ही रखो, नेटवर्क अरे प्रॉब्लम है मैं क्या? बाहर उसका हूं प्रॉब्लम थोड़ा। हाँ ठीक है क्या नेटवर्क का? रुचि, वीर, ईशा, मनन, थिंग, जो जर्नल का था ना शेरानी, डिसोल्यूशन का, वो बिना लेजर के नहीं बना सकते ना? नहीं कर सकते। जर्नल ऑफ डिसोल्यूशन यू कैन नॉट डू विदाउट लेजर, ओके, बिकॉज यू नीड टू हैव दैट लास्ट एंट्री का बैलेंस, और सबसे ज्यादा वेटेज वही एंट्री का है, फाइनल सेटलमेंट वाला जो करते हो ना आप, पार्टनर कैपिटल में टू बैंक या बाय बैंक, वो एंट्री तो आपको चाहिए ही, तो वो कहाँ से मिलेगी? कैपिटल से मिलेगी, और कैपिटल के लिए रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस चाहिए, तो जक मार के ये दोनों तो बनाना ही पड़ेगा। इज दिस क्लियर? तो जर्नल फॉर डिसोल्यूशन यू नीड टू मेक लेजर एंड देन यू हैव टू डू। बट सर अगर रफ में बना लेजर तो हाँ, चलेगा? रफ में ही करना है लेजर को, रफ में ही करना है, लेजर का कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, लेजर जो भी बनाओगे रफ में करना है, जर्नल का मार्क्स है, अगर जर्नल पूछा है ना तो जर्नल का ही मार्क्स है, लेजर का कोई मार्क्स नहीं। ठीक है, क्या पहला पहला सम जो रहेगा वो नॉर्मल सम रहेगा, उसमें जर्नल रहेगा सिंपल, और बाकी दो में सिंगल डबल और ऑल पार्टनर में से कोई भी दो। इज दिस क्लियर? जर्नल वाले सम के लिए आपके पास आधा घंटा है, 15 मिनट लेजर करना है रफ में, लेजर का प्रेजेंटेशन का लफड़ा नहीं है, रफ में बनाना है लेजर, और जर्नल फेयर में करना है उसके लिए और 15 मिनट है, मोर देन इनफ इट। तो आधा घंटा आपके पास फर्स्ट सम के लिए जो जर्नल होगा, 20 मिनट सेकेंड सम, 20 मिनट थर्ड सम, एंड 5 मिनट ऑब्जेक्टिव। 1 घंटा 15 मिनट का पेपर है, 1 आवर 15 मिनट का पेपर है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 5 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव फाइव मिले। मार्क्स रफ वाले लेजर के लिए अगर कॉलमेज नहीं लिखा तो यू वांट कट मार्क्स कॉलमेज क्या नहीं लिखा? क्या कॉलम एज लाइक पर्टिकुलर अमाउंट। नहीं, वो नॉर्मल लेजर में चाहिए कॉलम हेड,
जो जर्नल पूछा है उसमें फिर लेजर का प्रेजेंटेशन का इंपॉर्टेंस नहीं। नॉर्मल जो सम कर रहे हो जिसमें लेजर ही पूछा है उसमें तो परफेक्ट प्रेजेंटेशन चाहिए। इन द बुक्स ऑफ सब लिखना है, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट अमाउंट रुपीज संभाल, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट अमाउंट रुपीज वो सब लिखना है। इज दिस क्लियर? जर्नल वाले सम में नहीं लिखा तो चलेगा ना? जर्नल वाले सम में लेजर का कोई मार्क्स नहीं है, कैसे भी रफ में प्रेजेंट करो कोई प्रॉब्लम वाला चीज नहीं है, जर्नल का ही मार्क्स है। ठीक है चलो। करंट अकाउंट कैन कम इन सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंसी या नॉर्मल सम। करंट गोज टू कैपिटल, कैपिटल गोज टू बैंक। क्या चांसेस ओछा छे पण आवी शके। करंट गोज टू कैपिटल, कैपिटल गोज टू बैंक। ओके चलो शुरू करते हैं। एनपीओ, वी स्टार्टेड विथ एनपीओ इंट्रोडक्शन इन द लास्ट लेक्चर। ओके टेल मी व्हाट इज एन एनपीओ? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा नाम नॉन ट्रेडिंग, एनटीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट या नॉन ट्रेडिंग। व्हाट इज द मोटिव ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस? सर्विस एंड नॉट प्रॉफिट। बराबर है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, सर्विस के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो इनके फाइनल अकाउंट्स हमें बनाने, इनके फाइनल अकाउंट्स हमें बनाने। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स में दो चीजें होती हैं। व्हाट आर द टू थिंग्स यू मेक इन फाइनल अकाउंट्स? इनकम एंड एक्सपेंस। नॉर्मली क्या बनता है? ट्रेडिंग पीएनएल, कैपिटल करंट और बैलेंस शीट। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा क्या? बिकॉज़ दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज, राइट? इफ एट ऑल दे आर इन्वॉल्व्ड इन सम ट्रेडिंग एक्टिविटीज, लाइक यू हैव सहकारी भंडार, नाम सुना है? कोऑपरेटिव स्टोर्स, सहकारी भंडार नहीं देखा है? दुकान बड़ा बड़ा जनरल स्टोर्स रहता है, कोऑपरेटिव स्टोर्स बोलते हैं उनको। हाँ चेंबूर में भी है, यस चेंबूर में फाइन आर्ट्स के आगे तुम्हारा वो जिम है ना, कौन सा है, गोल्ड्स जिम है शायद, गोल्ड्स जिम के सामने। तो सहकारी भंडार, दैट्स अ टाइप ऑफ कोऑपरेटिव। ओके, वो सर्विस मोटिव से बनाया जाता है, उधर भाव बहुत सस्ते मिलते हैं आपको। तो ऐसा कोई ट्रेडिंग वाला बिजनेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते हैं, एनपीओ भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। लेकिन आपको 12th स्टैंडर्ड में जो एनपीओ वो खाली सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई ट्रेडिंग वाले एक्टिविटीज आने वाले नहीं। तो बोलने का मतलब आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाने वाले हो कि नहीं? नो बाइंग, नो सेलिंग, नो डेटर, नो क्रेडिटर। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। पीएनएल अकाउंट की जगह क्या बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वी डू नॉट कॉल इट प्रॉफिट लॉस, वी कॉल इट एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि मोटिव इज नॉट प्रॉफिट, मोटिव इज सर्विस। अच्छा, पार्टनर कैपिटल, सोल प्रोप्राइटर कैपिटल लाने वाले हैं क्या बिजनेस में? हु कॉन्ट्रीब्यूट्स द कैपिटल ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन? द मेंबर्स। द मेंबर्स बिकम द ओनर्स। एंड इज देयर ओनली वन मेंबर, टू मेंबर, थ्री मेंबर और एन नंबर ऑफ मेंबर्स? एन नंबर ऑफ मेंबर्स, सो वी कॉल इट एज कैपिटल फंड। We call it as capital fund. जो capital organization का जमा होता है वो पैसा कौन देता है? Members देते हैं। वो members कैसे दे सकते हैं? हमने देखा था last lecture में आपको, कैसे देंगे वो पैसा members? उसको क्या कहा जाता है उस पैसे को? Donation रहता है, life membership fees रहता है, याद है आपको? Capital receipt, दो receipt हमने देखे थे, capital receipt and revenue receipt। याद है किसी को what do you mean by capital receipt? परमानेंटली रहेगा, लंपसम में आता है, वन टाइम आता है, बहुत बड़ा पैसा आता है लंपसम में, जो पैसा आप रिसीव करते हो बड़े अमाउंट का, और घड़ी घड़ी रिसीव करने वाले नहीं हो। जो घड़ी घड़ी रिसीव करते हो उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसीट काय के लिए आता है, उससे क्या यूज होता है उसका? रेवेन्यू रिसीट से आप क्या चलाओगे? एक्सपेंसेस, साल दर साल के खर्चे चलाओगे। और कैपिटल रिसीट से क्या खरीदोगे? एसेट्स। याद आया? तो कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आइटम्स है दोनों, याद रखना। व्हाट इज कैपिटल रिसीट? लंपसम में आया हुआ पैसा जो घड़ी घड़ी आने वाला नहीं, एक बार ही आएगा, लॉन्ग टर्म तक बिजनेस में पड़ा रहेगा। तो वो कैपिटल रिसीट बन जाता है आपका कैपिटल फंड, वो कैपिटल रिसीट बन जाता है आपका कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड विल बिकम योर लायबिलिटी, और वो कैपिटल फंड के पैसों से आप क्या खरीदोगे? एसेट। कैपिटल फंड के पैसों से आप क्या खरीदते हो? एसेट्स। कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लायबिलिटी में कैपिटल रिसीट, एसेट्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सी रिसीट्स दिखती है? रेवेन्यू रिसीट्स. व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू रिसीट्स? रेवेन्यू रिसीट का मीनिंग क्या है? क्या ये लमसम में आएंगी, वन टाइम आएंगी, कि हर साल आएंगी? एवरी ईयर आएंगे. एवरी ईयर रिसीव करोगे. और इसका पैसा आप कहाँ यूज करने वाले? डेली एक्सपेंसेस में यूज करोगे. जैसे स्कूल्स में फीस होती है, वो रेवेन्यू रिसीट होती है. मंदिर में आपका जो दान पेटी का पैसा होता है, भक्त लोग जब हर रोज जो डाल के जाते हैं, वो रेवेन्यू रिसीट हो जाती है. बराबर है? हाउसिंग सोसाइटी में आप जो मेंटेनेंस भरते हो, वो क्या हो जाती है सोसाइटी के लिए? रेवेन्यू रिसीट. और उससे आप हर साल का खर्चा पे ऑफ करोगे. तो रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट का मतलब समझा? कैपिटल रिसीट लॉन्ग टर्म, घड़ी घड़ी आने वाला. रेवेन्यू रिसीट शॉर्ट टर्म, घड़ी घड़ी मिलेगा. रेवेन्यू रिसीट का पैसा आप रेवेन्यू एक्सपेंस. बिजनेस में भी सेल्स इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सब क्या है? रेवेन्यू रिसीट. या पीएनएल क्रेडिट में दिखा दो ना, ट्रेडिंग क्रेडिट, पीएनएल क्रेडिट, इसको रेवेन्यू रिसीट कहा जाता है. जो हर साल आपको मिलेगी और इसका आप हर साल के खर्चे में पैसा यूज करेंगे. रेवेन्यू रिसीट इनकम में दिखाने का, इनकम. रेवेन्यू रिसीट का मतलब इनकम होता है. रेवेन्यू रिसीट का मतलब इनकम. पीएनएल क्रेडिट, ट्रेडिंग क्रेडिट जो दिखा दो ना, इनकम उधर दिखाने का. रेवेन्यू रिसीट का मतलब इनकम. एंड कैपिटल रिसीट का मतलब लायबिलिटी. जो आपका कैपिटल आता है, पार्टनर्स कैपिटल, ओनर कैपिटल, लोन्स जो आप लेते हो बैंक से, उन सबको क्या कहा जाता है? कैपिटल रिसीट. वो सब दे आर कॉल्ड एज, वो घड़ी घड़ी आने वाले नहीं है ना, हर साल वो लमसम आएंगे और 10 साल बाद आपको चुकाने हैं, 15 साल बाद आपको चुकाने हैं. तो आपके बैलेंस शीट एसेट में चले, मतलब उसका पैसा आप एसेट खरीदने में यूज करो. बोलने का मतलब, जो लमसम पैसा आता है उससे आप एक्सपेंस पे नहीं करने वाले. समझ में आया? जो लमसम पैसा आया है मेंबर का, फीस का या डोनेशन का, उससे आप एसेट्स वैसेट्स खरीदने वाले, सॉरी एक्सपेंसेस पे करने वाले नहीं हो. क्या खरीदोगे उससे? एसेट. जो लॉन्ग टर्म चीजें है ना, वो लॉन्ग टर्म फंड से खरीदी जाती है. जो शॉर्ट टर्म एक्सपेंस है, वो शॉर्ट टर्म रिसीट के साथ पे की जाती है. ओके? तो किसी भी बिजनेस के लिए दो आइटम्स याद रखना, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एक लॉन्ग टर्म है, एक शॉर्ट टर्म है. अच्छा, उसके बाद वी सॉ सम टाइप्स ऑफ इनकम्स. मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट, एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसीट, हमने एक एग्जाम्पल देखा था अगर आपको याद होगा. रेवेन्यू रिसीट उसको नहीं, रेवेन्यू रिसीट जो हर साल आता है, नहीं उसका एक नाम था, सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड एज अ रेवेन्यू रिसीट. सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड एज अ रेवेन्यू रिसीट. रेवेन्यू का मतलब हर साल मिलेगा. सब्सक्रिप्शन का मतलब हर साल मेंबर्स विल पे दैट सब्सक्रिप्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन. सब्सक्रिप्शन एक साथ लमसम में पे करने वाले, लमसम में पे करते हैं उसको क्या कहा जाता है? एक साथ 20 साल का पैसा दे दिया, 25 साल, 30 साल का पैसा दे दिया, हाँ कैपिटल फंड में दे दिया, उसको क्या बोलते हैं? लाइफ टाइम मेंबरशिप. लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस इज अ कैपिटल रिसीट. वो घड़ी घड़ी आने वाला, घड़ी घड़ी आने वाले चीज को क्या कहा जाता है? सब्सक्रिप्शन. ठीक है, स्कूल के केस में घड़ी घड़ी आने वाली चीज को क्या कहा जाएगा? फीस, ट्यूशन फीस, टर्म फीस, राइट. फिर आपका हाउसिंग सोसाइटी में हर साल को चीज जो आती है उसको क्या कहा जाएगा? मेंटेनेंस. मेंटेनेंस का चार्ज, बराबर है, मेंटेनेंस. अच्छा, लंपसम में जो आने वाली चीजें वो काफी सारी होती हैं. ओके, हमने इसमें से दो एग्जांपल देखे हैं. एक डोनेशन देखा है, लंपसम में दे सकते हैं, और एक देखा है लाइफ मेंबरशिप फीस. राइट, लाइफ मेंबरशिप फीस देखा है और डोनेशन देखा हुआ है. ये दोनों चीजें जनरली कैसे आएंगी? लंपसम में आएंगी, एक साथ आएंगी. अच्छा, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि समझो मंदिर है या कोई स्कूल है, मुझे सोच के बताओ, क्या उसमें डोनेशन एक ही बार जब बन रहा होगा तभी आएगा कि बनने के बाद भी हर साल मिलेगा? बनने के बाद भी आएगा. बनने के बाद भी हर साल मिलेगा. तो डोनेशन जो होता है ये दोनों तरह का होता है. डोनेशन जो होता है ये दोनों तरह का होता है. कैपिटल रिसीट भी हो सकता है, रेवेन्यू रिसीट भी हो सकता है. कैपिटल फंड में भी ऐड किया जा सकता है, इनकम में भी दिखाया जा सकता है. सर मालूम कैसे पड़ेगा कि ये डोनेशन लॉन्ग टर्म का है कि शॉर्ट टर्म का है? आपको क्वेश्चन में दिया होगा, आपको क्वेश्चन में क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दिया होगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. ओके, आपको बोल देगा कि हाँ डोनेशन
रेवेन्यू में डालो मतलब इनकम में डालो, डोनेशन को कैपिटलाइज करो, क्या करो कैपिटलाइज करो, कैपिटलाइज बोला है मतलब कैपिटल फंड में ऐड करो, कैपिटलाइज बोला है मतलब कैपिटल फंड में ऐड करो, लायबिलिटी में दिखा, इज दिस क्लियर? तो डोनेशन दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अच्छा फिर हमने देखा सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या होगा, रेवेन्यू रिसीट मतलब हर साल जो मेंबर्स को पे करना है वो, ओके? ये मैं क्या देख रहा हूं, ये मैं देख रहा हूं कि एनपीओ के मेजर सोर्स ऑफ मनी क्या है, मेजर सोर्स ऑफ इनकम्स, मेजर सोर्स ऑफ इनकम्स, तो डोनेशन आ गया, सब्सक्रिप्शन आ गया, ये कभी भी कैपिटल रिसीट होगा सब्सक्रिप्शन, कभी नहीं होगा, सब्सक्रिप्शन इज नेवर अ कैपिटल रिसीट, लमसम में आ गया और आगे पैसा नहीं भरेगा, ऐसा नहीं, हर साल देना पड़ेगा, हर साल मेंबर को पैसा भरना पड़ेगा, वो बन जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की इनकम और उस इनकम से वो खर्चे पे करेगा, सैलरी रेंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, इज दिस क्लियर? तीसरा हमने देखा लाइफ मेंबरशिप फीस, अब देखने पे तो क्या लगता है ये कौन सी तरह की रिसीट है, कैपिटल रिसीट है, राइट? क्योंकि हम एक जिम खाना बना रहे थे हमारे एग्जाम्पल में, और चैतन्य ने बोला मैं लाइफ मेंबरशिप बनने के लिए तैयार हूँ, मीर ने बोला मैं लाइफ मेंबर बनने के लिए तैयार हूँ, इसने 40 भरा उसने 40 भरा, अपने को मिल गया 80,000, बनते वक्त ही शुरुआत में ही मिल गया, तो इज इट अ कैपिटल रिसीट और अ रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल लमसम में आ गया, आगे तो आने वाला नहीं है तो कैपिटल रिसीट, लेकिन अभी कोई ऐसा जिम खाना है जिसमें हर साल लाइफ मेंबर्स बन रहे हैं, हर साल दो चार लोग लाइफ मेंबरशिप फीस ले ही रहे, हमने मेंबरशिप क्लोज नहीं किया, हर साल दो चार 8-10 लोग लाइफ मेंबरशिप फीस दे रहे हैं, तो वो क्या बन जाए, रेवेन्यू रिसीट बन जाएगी, तो ये भी दोनों हो सकता है, कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू। सर मालूम कैसे पड़ेगा, अगेन मैं दिया होगा, क्लियर कट इंफॉर्मेशन दिया होगा, ठीक है? इसके बाद ये तीन तो हमने देखा हुआ है, एक और सोर्स ऑफ इनकम होता है जिसको कहा जाता है लेगेसी, जिसको कहा जाता है लेगेसी, का मतलब क्या होता है किसी ने पता है किसी को लेगेसी? हाँ अब समझो कोई मेंबर था, हमने सबने एक जिमखाना बनाया, हम सब उसके मेंबर हैं, कोई लाइफ मेंबरशिप भर के आया, कोई सब्सक्रिप्शन दे के आ रहा है, हर साल के सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं आप लोग, हम सब मेंबर्स हैं, ओके? इसमें किसी की डेथ हो गई, किसी की डेथ हो गई और उस मेंबर को चाहिए कि मेरे नाम के पीछे भी इस ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दिया जाए, आपने देखा होगा लेट श्रीमती सो एंड सो, लेट मिस्टर सो एंड सो, उसके नाम पे भी डोनेशन आया रहता है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको कहा जाता है लेगेसी, उसको कहा जाता है, तो द डोनेशन गिवन टू द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द डेथ, डोनेशन गिवन टू द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द डेथ ऑफ अ मेंबर आउट ऑफ हिज विल इज कॉल्ड एज लेगेसी, समझ में आया? डोनेशन गिवन टू द ऑर्गेनाइजेशन बाय द मेंबर आफ्टर हिज डेथ एज पर हिज विल इज कॉल्ड एज लेगेसी, तो लेगेसी भी एक प्रकार का डोनेशन है। अब लेगेसी सोच के बताओ, ये हर साल आएगा, ये वन टाइम रिसीट है, ये तो बन जाए, हर साल मरने वाले तो नहीं है लोग, वो तो अभी लॉजिकल है थोड़ा, इतने सारे मेंबर तो होते नहीं कि हर साल कोई टपक गया, तो लेगेसी इज ऑलवेज अ कैपिटल रिसीट, लेगेसी इज ऑलवेज अ कैपिटल रिसीट, इज दिस क्लियर? तो ये चार आइटम्स हैं अभी तक हमने देखे हुए, कौन से चार आइटम्स हमने देखे, डोनेशन क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, सब्सक्रिप्शन शॉर्ट टर्म, लाइफ मेंबरशिप दोनों हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है शॉर्ट टर्म भी, लेकिन लेगेसी लॉन्ग टर्म ही होता है। व्हाट इज लेगेसी, ऑल ऑफ यू गॉट दिस, व्हाट इज लेगेसी, कंट्रीब्यूशन या डोनेशन गिवन बाय द मेंबर आफ्टर हिज डेथ एज पर हिज विल टू द ऑर्गेनाइजेशन, और दो आइटम का पैसा ऑर्गेनाइजेशन को मिल सकता है, उनको कहा जाता है एंट्रेंस फीस एंड एडमिशन फीस। नाउ व्हाट इज एंट्रेंस फीस एंड व्हाट इज एडमिशन फीस, नेचर वाइज एक्चुअली दोनों सेम है, ओके? प्रैक्टिकली इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता, दोनों का नाम अलग है, कोई एंट्रेंस फीस बोलता है, कोई एडमिशन फीस बोलता है, दोनों का मीनिंग नेचर सेम है प्रैक्टिकली, थियोरी में ये लोग रॉन्ग करवा रहे हैं, बट सैडली है तो है, अपने को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ओके? तो एंट्रेंस फीस
और एडमिशन फीस, ओके, दोनों एडमिशन के वक्त पे की जाती है। मेंबर जब एडमिट होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, तब एक एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस पे की जाती है। आप जब स्कूल में एडमिशन लेते हो, कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो आपको एक एडमिशन फीस पे करनी पड़ती है जो फर्स्ट ईयर होती है। फिर हर साल नहीं होती, हर साल आपको जो आपका स्टैंडर्ड का होता है वो फीस होती है। स्कूल में भी आप जब आपने जूनियर सीनियर में एडमिशन लिया होगा, नॉट डिपॉजिट, इट इज फीस ओनली, नॉन रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल। आप जब स्कूल में एडमिशन लेते हो ना, जब आपने बचपन में देखा, मम्मी को पूछना, जूनियर सीनियर में जब आप एंटर होते हो ना, तब आपको एक एडमिशन फॉर्म का चार्जेस नॉमिनल वो लेते हो ना आपसे। अभी यूनिवर्सिटी में जाओगे डिग्री के बाद, तो यूनिवर्सिटी आपसे एडमिशन फीस लेगा, वन टाइम लेगा। आईसीआई में जाओगे, आईसीआई एडमिशन फीस लेगा, सीए की, वन टाइम। हर साल आपको पे करने की जरूरत नहीं है। तो एडमिशन उसी को बोला जाता है एंट्रेंस, जिमखाना क्लब्स में उसको कहा जाता है एंट्रेंस फीस, मेंबर की एंट्री पे की जाती है, ठीक है। एंट्रेंस फीस अगेन वन टाइम अगर सोचो एंट्री पे है, तो व्हाट इट विल बिकम, सीआर, कैपिटल रिसीट बन जाएगी। बट अगर हर साल मेंबर्स आ रहे हैं, जैसे कि हर साल लाइफ मेंबरशिप फीस मिल रही है, हर साल नए नए मेंबर्स आ रहे हैं, तो एंट्रेंस फीस भी आपको हर साल मिलेगी। हाँ, अगर आप रेस्ट्रिक्टेड क्लब हो, 100 मेंबर हो गए बंद, पहले साल हो गए 100 मेंबर, अभी कोई मेंबरशिप लेने वाले, तो एंट्रेंस फीस क्या बन जाएगी आपकी, कैपिटल फीस, वन टाइम वाली, फिर हर साल आने का चांस, बराबर है, समझ में आ रहा है। बट अगर आप ओपन रख रहे हो मेंबरशिप, हर साल आओ, नए मेंबर्स आओ, नए मेंबर्स ले सकते हैं, एंट्रेंस फीस भरो, चलेगा मेंबरशिप, आ जाओ, तो फिर वो क्या बन जाएगी, रेवेन्यू रिसीट। तो एंट्रेंस फीस इज नथिंग बट एडमिशन पे जो आपको पे करनी है, दोनों हो सकती है, कैपिटल भी हो सकती है या रेवेन्यू भी हो सकती है। वन टाइम भरोगे तो क्या होगी, कैपिटल, और हर साल आएगी तो रेवेन्यू। एडमिशन फीस के बारे में अगर कुछ नहीं दिया है, तो उसको ट्रीट करने का है, एक मिनट, इन सीए फाउंडेशन इट इज कैपिटल, बट इन 12th स्टैंडर्ड दे ट्रीटेड एज रेवेन्यू, दिस इज द रॉन्ग। सो इन एडमिशन फीस इन 12th स्टैंडर्ड, एक्चुअली इट इज रॉन्ग, इन सीए फाउंडेशन यू विल ओनली लर्न दैट दिस इज सपोज टू बी कैपिटलाइज्ड, ओके, बट इन 12th स्टैंडर्ड यू टेक एडमिशन फीस एज आर आर, रेवेन्यू रिसीट। इसके पीछे का लॉजिक ये लोग क्या बोलते हैं कि भैया ये स्कूल या कॉलेज रिलेटेड ही है, स्कूल या कॉलेज में स्टूडेंट्स हर साल आने वाले हैं, आप एडमिशन फीस को क्या ट्रीट करो, रेवेन्यू ट्रीट करो, रेवेन्यू रिसीट ट्रीट करो, ओके। बट 12th में नहीं करते हैं फॉलो, रॉन्ग है, एक्चुअली इट कैन बी बोथ कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू। और कुछ नहीं दिया तो ज्यादातर ये दोनों कैपिटलाइज ही किए जाते हैं, कैपिटल रिसीट ही दिखे जाते हैं, वन टाइम वाले हैं तो कैपिटल रिसीट ही ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, अगर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या लेने का। तो एडमिशन फीस क्या ट्रीट करना है, आ रहा, ओके, कुछ नहीं दिया तो आ रहा। बाई चांस कभी क्वेश्चन में दिया है कि वन टाइम भी है, इसके जैसा भी ट्रीट करो, तो समटाइम्स क्वेश्चन में दिया है तो फिर आप इसको कभी कभार कैपिटल रिसीट ट्रीट कर सकते हो, क्वेश्चन में दिया है, ओके, अदरवाइज कुछ नहीं दिया तो एडमिशन फीस इन 12th स्टैंडर्ड यू ट्रीटेड एज रेवेन्यू, ओके। एंट्रेंस फीस दोनों हो सकता है, कैपिटल और रेवेन्यू, लाइफ मेंबरशिप फीस दोनों हो सकता है, कैपिटल रेवेन्यू, डोनेशन दोनों हो सकता है, कैपिटल रेवेन्यू, सब्सक्रिप्शन दोनों कभी नहीं होगा, सब्सक्रिप्शन दोनों कभी नहीं होगा, सब्सक्रिप्शन हमेशा क्या होगा, रेवेन्यू, ठीक है। लेगेसी कभी भी दोनों नहीं होने वाला है, लेगेसी कभी भी दोनों नहीं होने वाला है, क्या होगा हमेशा, सीआर, कैपिटल रिसीट, लेगेसी इज ऑलवेज वन टाइम। एडमिशन फीस अगेन कैन बी बोथ सीआर और आर, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, ओके। आखिरी चीज होती है गवर्नमेंट ग्रांट, यू नो व्हाट आर गवर्नमेंट ग्रांट, हाँ, एनपीओस डोंट हैव टू पे टैक्स, दैट इज ट्रू, बट देयर इज, दिस इज समथिंग डिफरेंट, व्हाट इज गवर्नमेंट, दैट इज सब्सिडी, व्हाट इज गवर्नमेंट ग्रांट, एडेड अनएडेड सुना है, एडेड म्हणजे गवर्नमेंट से पैसा आता है उन कॉलेजेस में, उन स्कूल्स में आपकी फीस कम होती है, अनएडेड मतलब प्राइवेट, उसमें कॉलेज ही सब पैसा फीस से कलेक्ट करके खर्चा निकालता है,
तो एडेड का मतलब उस कॉलेज या उस इंस्टीट्यूशन, उस टेम्पल, उस जिमखाना को गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिल रहे हैं। गवर्नमेंट उनको डोनेशन देता है ना, उसको ग्रांट बोलते हैं। गवर्नमेंट उनको डोनेशन देता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रांट बोलते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रांट मिलते रहते हैं, बराबर। अब ग्रांट भी दो प्रकार के हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। हर साल मिल रहा है तो क्या ट्रीट करोगे? रेवेन्यू रिसीट। लमसम में एक बार आया, स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए मिल गया, स्कूल का प्लेग्राउंड बनाने के लिए मिल गया, वन टाइम। उसके बाद घड़ी घड़ी आने वाला नहीं है, तो फिर इट इज अ कैपिटल रिसीट। इज दिस क्लियर? तो बोलने का मतलब ये सब दोनों हो सकते हैं, ग्रांट, डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, एडमिशन, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। कभी लॉन्ग टर्म, कभी शॉर्ट टर्म, लेकिन ये दोनों चीजें फिक्स है। सब्सक्रिप्शन हमेशा क्या होगा? रेवेन्यू। और लेगेसी हमेशा क्या होगा? कैपिटल। इज दिस क्लियर? अब ये सब चीजें दोनों कब होंगी? जब आपको सम में दिया हो, ठीक है। अब सम में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सम में कुछ भी इंफॉर्मेशन, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में बोल रहा हूं, ठीक है। और इसका शॉर्ट फॉर्म है This is the short form, SAG G, okay? ये आपको पता चलेगा क्या है। सम में अगर गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में कुछ नहीं दिया है कि भाई ये इनकम है या ये नहीं, कैपिटल है कि रेवेन्यू, लमसम आ रहा है कि हर साल आ रहा है, मालूम नहीं है, तो इसको क्या अज्यूम करने का? आ रहा रेवेन्यू, अज्यूम इट इज रेवेन्यू, ओके। ये थियोरिटिकल अजम्पशन है, प्रैक्टिकली यू नो हर साल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन थियोरी के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में कुछ नहीं दिया है तो रेवेन्यू, मतलब इन सब ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट हर साल ग्रांट देगा, देगा और देगा, तो रेवेन्यू में डालने, तो रेवेन्यू में डालने। सब्सक्रिप्शन किस में डालने का? वो तो आ रही। डोनेशन के बारे में अगर कुछ नहीं दिया है कि मेंबर्स डोनेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे, मतलब लमसम दे रहे, वन टाइम दे रहे कि हर साल दे रहे, मालूम नहीं है, तो किधर डालने का? आ रहा रेवेन्यू में डालने, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में नहीं मालूम है कि हर साल आ रही है कि वन टाइम आ रही है, तो इसको अज्यूम करने का सीआर है। एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ नहीं दिया है कि वन टाइम आ रही है कि हर साल आ रही है, इसको अज्यूम करने का सीआर। एडमिशन फीस के बारे में कुछ नहीं दिया है तो अज्यूम करने का आर आर है। लेगेसी के बारे में कुछ अज्यूम करने की जरूरत नहीं, वो हमेशा कैपिटल फीस। तो आपको पता चला ये क्या लिखा है मैंने? What is SAG G का फुल फॉर्म? What is SAG G? Subscription, admission, donation and grant. Subscription, admission, donation and grant. इनके बारे में अगर कुछ नहीं दिया है तो आर आर, आर आर म्हणजे रेवेन्यू रिसीट, म्हणजे सम में किधर दिखेगा? इनकम, हर साल की रिसीव करने वाली इनकम, ठीक है। और बाकी आइटम्स के बारे में अगर कुछ नहीं दिया, म्हणजे लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में कुछ नहीं दिया, सीआर। एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ नहीं दिया है, सीआर। लेगेसी के बारे में कुछ नहीं दिया है, सीआर। इज दिस क्लियर? तो सैड जी नाम का ये जो शॉर्ट फॉर्म है, ये किसके लिए है? रेवेन्यू रिसीट के लिए। ये चारों के बारे में कुछ नहीं दिया तो किसमें डालने का? रेवेन्यू। गोसम जैसे सैड जी। इज दिस क्लियर? ये खाली थियोरिटिकल एब्रीवेशन है, प्रैक्टिकली घंटा कुछ फर्क पड़ता है। प्रैक्टिकली आपको पता होगा ना कौन सा रिसीट हर साल आने वाला है, कौन सा रिसीट वन टाइम आने वाला है, उसमें तो दिमाग वो शॉर्ट रट्टा वट्टा कुछ मारने का जरूरत है ही नहीं। जो हर साल आने वाला है वो रेवेन्यू है, बराबर है। जो वन टाइम आएगा, घड़ी घड़ी आने वाला नहीं है, या चार छह साल में एक बार आएगा, वो क्या हो जाएगा? इज दिस क्लियर? यही चीज इंपॉर्टेंट है, कैपिटल और रेवेन्यू का डिस्टिंक्शन, ये सब में याद रखना। नाउ व्हाट वाज योर डाउट? सर आपने बोला ना कि इसमें सब में लास्ट ईयर का भी बैलेंस शीट देंगे। सब में नहीं आएगा कोई कोई तो सर उसमें अगर लास्ट ईयर में भी लेगेसी दिया हुआ है और दिया हुआ है कि ये साल भी कोई ऐसा कैपिटल फंड में ही एडेड है ना वो लेगेसी। हां बट वो आरआर नहीं हो जाएगा लास्ट ईयर का, कैपिटल रिसीट। लेगेसी के बारे में कुछ नहीं दिया है तो कैपिटल रिसीट, ओके। लेगेसी कभी वो लोग रेवेन्यू में देंगे भी नहीं,
और बाई चांस दो साल में मिल भी रहा है तो भी कैपिटल। देखो इसका ऐसा नहीं है कि वो एकदम पत्थर की लकीर नहीं है कि हर साल आ रहा है तो रेवेन्यू, एक बार आया तो कैपिटल, ऐसा रोबोटिक नहीं सोचने का। इट इज बेसिकली रेगुलर रिसीट एंड इरेगुलर रिसीट, जो हर साल कंसिस्टेंटली मिल रही है दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। ओके, और कैपिटल रिसीट मतलब एक साथ आ रही है लमसम में, बट ऐसा भी हो सकता है 5-6 साल बाद वापस मिले, 3-4 साल बाद वापस मिले, 6-8 साल बाद वापस मिले कैपिटल रिसीट। तो कैपिटल रिसीट का मतलब ये नहीं है कि एक ही बार आई खत्म, अभी नहीं आनी चाहिए, दूसरी बार कभी भी आई तो उसको रेवेन्यू में डाल, नहीं ऐसा नहीं। इन अनसर्टन है, अनसर्टन रिसीट है, घड़ी घड़ी मिलने वाली नहीं, इसीलिए हम उसको कैपिटलाइज करते हैं। रीजन क्या है, देखो कैपिटल रिसीट को तुम इनकम में डाल दोगे, जो इरेगुलर इनकम है अगर तुम उसको इनकम में डाल दोगे, जैसे कि लेगेसी, उसको इनकम में डाल भी दिया, 2 साल मिला, 3 साल मिल गया, तो क्या हर साल मिलते रहेगा वो? नहीं मिलेगा। फिर होगा क्या, पहले साल कुछ सरप्लस मिलेगा, दूसरे साल भी मिलेगा, तीसरे साल भी लेगेसी डाल रहे हो, चौथे साल डेफिसिट चालू हो जाएगी, आपको लगेगा ऑर्गेनाइजेशन बुरा कर रहा है, सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ, मेंबर का खर्चा बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, खर्चा कम करो, लेकिन ऐसा कुछ हो, आप ही ने गलती कर दी, आपने जो कंसिस्टेंट वाली इनकम थी वो ना दिखा के इनकंसिस्टेंट इनकम दिखा दी ना इनकम साइड, तो कंपैरिजन आपका हैम्पर हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा ऑर्गेनाइजेशन ठीक कर रहा है कि खराब कर रहा है। मतलब एटलीस्ट सरप्लस तो होना चाहिए ना, डेफिसिट में जाते रहेगा ऑर्गेनाइजेशन तो मतलब क्या है, फिर तो आप नुकसान पे नुकसान कर रहे हो, यू आर डिस्ट्रॉइंग वेल्थ फोकट। थोड़ा बहुत रीजनेबल डेफिसिट ठीक है, अगर हर साल डेफिसिट पे डेफिसिट पे डेफिसिट हो रहा है तो फिर देखने वाली चीज है, खर्चे कम करो, थोड़ा सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ मेंबर्स का, ऐसा कुछ करो, बराबर है। तो इसीलिए ये रेवेन्यू का मतलब क्या है, कंसिस्टेंट रिसीट, रेवेन्यू का मतलब जो मोटा मोटी हर साल, एक आध साल ना भी आए तो भी चलेगा, लेकिन मोटा मोटी हर साल आपको मिलने वाली है। और रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब कंसिस्टेंट एक्सपेंस, तो हर साल आपका मोटा मोटी होने वाला है। कैपिटल रिसीट मतलब इनकंसिस्टेंट रिसीट, जो हर साल होने वाली, उससे आप क्या खरीद लो, एसेट्स, एसेट्स पड़े रहेंगे लॉन्ग टर्म तक बिजनेस में, है कि नहीं, उससे आपको खर्चा पे करने की जरूरत, तो आपका क्या है, बराबर मैचिंग फॉलो होगा, मैचिंग याद है आपको, इनकम्स आर मैच्ड विथ योर एक्सपेंस, तो हर साल आपका सरप्लस डेफिसिट आप कंपेयर कर सकते हो। इज दिस क्लियर? तो ये मतलब होता है इसका कैपिटल और रेवेन्यू का, बात समझ आई? एनी अदर डाउट्स? एडमिशन और एंट्रेंस सेम है, बट 12th स्टैंडर्ड में बोला ना, ये स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और ये नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके, बट है सीए फाउंडेशन वगैरह आप लर्न करोगे, यही चीज लर्न करोगे, दोनों सेम ही मीनिंग है, एंट्रेंस फीस एडमिशन फीस दोनों कैपिटलाइज होता है, वन टाइम ही रिसीट ट्रीट किया जाता है। ओके, ये थियोरिटिकल है, अभी इधर कुछ थियोरी में अलग अजम्पशन है, उधर थियोरी में अलग अजम्पशन है, दैट सिचुएशन है, तो है। इवन सीबीएसई फॉलोज द सेम थिंग, एंट्रेंस एंड एडमिशन बोथ आर सेम, हैव टू बी कैपिटलाइज। एनसीईआरटी उठा के देखोगे ना, सीबीएसई का नेशनल लेवल सिलेबस, उसमें दोनों सेम ट्रीट किया और दोनों को कैपिटलाइज किया। अपना स्टेट बोर्ड में, स्टेट बोर्ड तो पहले एंट्रेंस फीस को भी रेवेन्यू में डालता है, अभी लास्ट 2 साल से वो लोग ने एंट्रेंस फीस कैपिटल करने का चालू किया, अभी धीरे धीरे एडमिशन फीस भी करेंगे, स्लो है अपना। ओके, 2 साल पहले तक आपके पिछले बैचेस जो करके गए उन्होंने एंट्रेंस फीस भी RR ही पढ़ा, आगे जाके वो भी लर्न करेंगे ना CAVA हायर स्टैंडर्ड्स। तो आपको मैं रियल मीनिंग बता रहा हूँ कि रियल मीनिंग में दोनों सेम है, दोनों को कैपिटलाइज ही करना होता है, कैपिटल रिसीट ही है, बट ये थियोरी है, एक को CR करना है, एक को RR, इसीलिए ये शॉर्टकट दिया कि आप भूल ना जाओ। सैड जी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सैड जी? सब्सक्रिप्शन, एडमिशन फीस, डोनेशन एंड ग्रांट, इनके बारे में कुछ नहीं दिया तो इनकम रेवेन्यू, और बाकी आइटम्स के बारे में कुछ नहीं दिया तो कैपिटल। ओके, लेट्स टेक अ प्रॉब्लम, गिव मी अ बुक, टेक अ पेंसिल, मार्क इट, वी आर डूइंग द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम। मुझे बताओ आपको क्वेश्चन में क्या दिया, पेंसिल में आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, रिसीट एंड, याद है मैंने बनाया था ये लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में, यहाँ पे क्या है ये रिसीट पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंसेस, ना वे क्या इनकम एंड एक्सपेंसेस, रिसीट पेमेंट, कैश अकाउंट, रिसीट पेमेंट इज कैश अकाउंट, नवी बुक, रिसीट पेमेंट का मतलब होता है कैश अकाउंट,
और याद है मैंने बनाया था इधर नीचे रिसीट कैश अकाउंट बनाया था, आपको बोला था ये क्वेश्चन में दिया होगा, आपको क्या बनाना है आंसर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। मुझे एक बात बताओ, क्या रिसीट पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सेम है? नहीं, रिसीट पेमेंट इज व्हाट, कैश अकाउंट, एंड व्हाट इज इनकम एक्सपेंडिचर, पीएनएल। जैसे कैश और पीएनएल अलग है, अलग है कि सेम है? पक्का अलग है। वैसे रिसीट पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर दोनों अलग है। रिसीट पेमेंट म्हणजे कैश अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर म्हणजे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मुझे बताओ इनकम एक्सपेंडिचर मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या दिखाते हो? नहीं नहीं मतलब ओवरऑल क्या दिखाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम्स और एक्सपेंस? अरे पूरा अकाउंट में क्या दिखाते, इनकम्स और एक्सपेंसेस दिखाते हो ना। कैश अकाउंट में खाली इनकम एक्सपेंस दिखता है, एसेट खरीदा वो भी दिखता है, लायबिलिटी पे ऑफ किया वो भी दिखता है, बराबर है? अच्छा कैश अकाउंट में सब कैश आइटम्स दिखता है, कैश आया कैश गया, बैंक में पैसा आया बैंक से पैसा गया, राइट? डेप्रिसिएशन दिखता है, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में दिखता है। बैड डेट्स दिखता है यहाँ पे, इनकम एक्सपेंडिचर मतलब पीएनएल अकाउंट में डिस्काउंट अलाउड दिखता है यहाँ पे, वहां पे क्यों? नॉन कैश, नॉन कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश इनकम। ये कहाँ दिखती है? पीएनएल में दिखती है, या फिर यहाँ पे इन दिस केस इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर पीएनएल दोनों सेम है, नाम अलग दर्शन सेम। इनकम एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू पीएनएल एंड कैश कैश अकाउंट इज इक्वल टू रिसीट एंड पेमेंट। इज दिस क्लियर? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिसीट पेमेंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर में क्या दिखता है? खाली इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। कैश अकाउंट में क्या दिखता है? पैसा आया पैसा गया, एसेट बेचा वो भी दिखता है, एसेट खरीदा वो भी दिखता है, लाइबिलिटी पे ऑफ की वो भी दिखता है, लाइबिलिटी ली वो भी दिखता है, एक्सपेंस पे किया वो भी दिखता है, इनकम रिसीव की वो भी दिखता है, राइट? अच्छा दूसरा आइटम हमने देखा नॉन कैश, क्या नॉन कैश आइटम्स दिखेंगे रिसीट पेमेंट अकाउंट में? डेप्रिसिएशन दिखेगा रिसीट पेमेंट अकाउंट में, डिस्काउंट अलाउड दिखेगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट दिखेगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट दिखेगा, ये सब क्या है? नॉन कैश। ये किसमें दिखते हैं? पीएनएल में या इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस रिसीट पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर। रिसीट पेमेंट में आपको खाली इनकम एक्सपेंडिचर में खाली रेवेन्यू आइटम्स दिखते हैं। रेवेन्यू आइटम मतलब इनकम एंड एक्सपेंस। कैश बैंक में आपको रेवेन्यू भी दिखता है और कैपिटल भी दिखता है, एसेट्स भी दिखता है, बराबर है? दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यहां पे खाली कैश आइटम्स होता है और यहां पे कैश भी होता है और नॉन कैश भी होता है। तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, मुझे बताओ ध्यान से सुनना, आपकी एम्प्लॉय की सैलरी 12,000 रुपए पर ईयर है, ये साल आपकी एम्प्लॉय की सैलरी है 12,000, आपने पे कर दिया 14,000, सैलरी है 12, पे कर दिए 14, तो अब मुझे बताओ रिसीट पेमेंट में कितनी दिखाओ? 14,000 कैश गया है, बट इनकम एक्सपेंडिचर में कितना दिखाओ? वाई 12,000 क्या है? तो क्या करोगे आप? प्रीपेड को लेस करोगे एक्सपेंस में से, किधर डालोगे? एसेट्स। बात समझ आई? यप करते हो, क्यों करते हो? मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग क्या बोलता है? ये साल का इनकम और ये साल का एक्सपेंस ही दिखाना है ना, नेक्स्ट ईयर का ना लास्ट ईयर का, यस और नो? तो ये चीज आप इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाओगे। तो बोलने का मतलब इधर कितना दिखाओगे एक्सपेंस? 12, और उधर कितना दिखाया? 14। ऐसा क्यों? अच्छा एक और एग्जांपल, सैलरी आपकी साल की सैलरी है 12,000, आपने पे की है 10,000, आपने पे की है, तो रिसीट पेमेंट में कितनी दिखी? 10 ही दिखेगी, तो रोकड़ा कितना गया? 10। और इनकम एक्सपेंडिचर में कितनी दिखेगी? वापस पहले ही दिखेगी, क्यों? आउटस्टैंडिंग आप ऐड कर दोगे और लायबिलिटी में दिखाओगे, आउटस्टैंडिंग आप ऐड करके एडजस्टमेंट करते हो ना, ऐड टू एक्सपेंस एंड लायबिलिटी, करोगे कि नहीं? करोगे, जरूर करोगे, 12 ही दिखाओगे। तो क्यों कर रहे हो ये? क्योंकि ये जो बनता है ना रिसीट पेमेंट, ये कैश बेसिस पे बनता है। ये कैसे बनता है? और ये जो बनता है ये अक्रूअल बेसिस पे बनता है। किस बेसिस पे बनता है?
अक्रूवल, अक्रूवल कॉन्सेप्ट किया है ना आपने, इसीलिए तो आउटस्टैंडिंग करते हो. एक्सपेंस एंड इनकम्स आर शोन ऑन इनकर्ड एंड अर्नड बेसिस, अक्रूड बेसिस. इनकर्ड एंड अर्नड, एक्सपेंस पे किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना दिखाना है जितना इनकर हुआ, जितना काम हुआ उतना एक्सपेंस दिखाओ. और इनकम रिसीव किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी कमाई है वो दिखाओ. बात समझ आई? इसीलिए आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या करते हो यहाँ पे, एड. क्यों एड करते हो? क्योंकि आउटस्टैंडिंग बिलोंग्स टू दिस ईयर. प्रीपेड क्या करते हो? क्यों? डजंट बिलोंग टू दिस ईयर, बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर. इनकम रिसीवेबल क्या करते हो? इनकम रिसीवेबल एड करते हो इनकम में, क्या ना फाइनल अकाउंट. इनकम रिसीवेबल एड टू इनकम एंड एसेट्स. क्यों एड करते हो इनकम को? इस साल को बिलोंग करती है, पैसे मिलना इंपॉर्टेंट. और इनकम रिसीव इन एडवांस, ज्यादा इनकम आ गई, इनकम रिसीव इन एडवांस क्या करते हो? लेस एंड लायबिलिटी. क्यों लेस करते हो? क्यों लेस करते हो? ये साल का इनकम नहीं, कौन से साल का इनकम है वो नेक्स्ट ईयर. ऐसा करने का रीजन क्या है? आपका मैचिंग फॉलो रहे, आपका इनकम एक 12 महीने का इनकम तो सामने 12 महीने का एक्सपेंस, तो आप कंपेयर कर पाओगे ना सरप्लस डेफिसिट को. हर साल ऐसा, हर साल 12 12 12 दिखाओगे तो कंसिस्टेंसी रहेगी ना आपकी. एक साल 10 दिखाओगे, दूसरे साल 14 दिखाओगे तो सरप्लस डेफिसिट क्या होगा, प्रॉफिट लॉस क्या होगा, जंप मारते रहेगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा अच्छा हो रहा है कि बुरा. जंप होना चाहिए, बट ये कौन से रीजन से होना चाहिए? मेंबर्स बढ़े, खर्चा कम हुआ तो जंप होना चाहिए. मेंबर्स घटे, खर्चा बढ़ा तो नीचे होना चाहिए. बट आपके गलत, इधर काम तो सेम ही हुआ है, इसमें भी 12 महीना काम किया, इसमें भी 12 महीना काम किया, इस रिकॉर्डिंग की वजह से जंप नहीं होना चाहिए, ये रीजन. बिजनेस में भी आपका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए और लॉस भी होना चाहिए. प्रॉफिट बढ़ना क्यों चाहिए? सेल्स एक्टिविटीज बढ़ा, खर्चा कम हुआ उससे प्रॉफिट बढ़ना चाहिए. या सेल्स कम हुआ, कोरोना प्रॉब्लम हो गई, कम भाव पे गया, लॉस में गुड्स गया, खर्चा बढ़ गया तो लॉस होना चाहिए. इट शुड नॉट बी ड्यू टू रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस. काम उतना ही हुआ है फिर भी आपको गलत रिजल्ट दिख रहा है, वो गलत हो गया ना. काम तो सेम ही हुआ है दोनों केस में, इधर भी 12 12 तो हुआ है, इधर भी 12 12 तो. गलत एक्सपेंस रिकॉर्ड करके आप प्रॉफिट लॉस चेंज करके दिखा रहे हो, दैट इज रॉन्ग. समझा? पक्का समझा? क्या क्या बोला उसको? मैंने बोला कि खुद को उल्लू नहीं बनाना, खुद को उल्लू नहीं बनाने का. हाँ बराबर, खुद को उल्लू नहीं बनाना, एब्सोल्युटली राइट. समझा ये पार्ट? तो ये मेजर तीन डिफरेंस है. अच्छा एक और डिफरेंस है इसका, चार डिफरेंस है सॉरी, रिसीट पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर. ओके, ये आपको ये वाले चैप्टर में बहुत बार देखने को मिलेगा. ठीक है, सुनो ध्यान से. आप सैलरी पे कर रहे हो, ठीक है, आपके एम्प्लॉय की सैलरी है 12,000, कितनी है? पिछले साल की 2,000 देनी बाकी थी, पिछले साल की 2,000 देनी बाकी थी, नहीं पे नहीं की लेकिन पिछले साल की थी, मतलब उसको क्या कहोगे आप? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कहोगे. बराबर है? लास्ट ईयर की लायबिलिटी में आया होगा, लास्ट ईयर के एक्सपेंस में ऐड किया होगा आपने, लेकिन क्या लास्ट ईयर के रिसीट पेमेंट में दिखाया होगा? 2,000 रुपया लास्ट ईयर देना, वो ये साल पे किया, ये साल पैसा दिया, तो वो कहां दिखेगा? ये साल का रिसीट पेमेंट में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा, क्योंकि रोकड़ा गया तो लास्ट ईयर का भी सैलरी यहां पर ही दिखेगा. अच्छा, करंट ईयर का 12,000 पे किया, वो कहां दिखेगा? वो भी इधर ही दिखेगा, करंट ईयर का 12,000. नेक्स्ट ईयर का 4,000 और पे कर दिया, बहुत पैसा आया ये साल. लास्ट ईयर का भी 2 साल पे किया, ये साल का भी 12,000 पे किया, और नेक्स्ट ईयर का भी 4,000 पे किया, वो भी इधर ही दिखेगा. क्यों? ये क्या है? ये तो रोकड़ा देखता है, कितना रोकड़ा आया और कितना रोकड़ा गया. रोकड़ा तो जा रहा है, लास्ट ईयर का 2,000 गया, ये साल का 12,000 गया, नेक्स्ट ईयर का 4,000 गया, ये तो सब भेलपूरी दिखा देगा रिसीट पेमेंट. यस, इसमें से इनकम एक्सपेंडिचर में कितनी सैलरी दी? खाली 12. खाली? सर लास्ट ईयर का 2,000 किधर जाएगा? किधर गया होगा लास्ट ईयर का 2,000 आपके हिसाब से? ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था ना. जाओ एक साल पीछे, इमेजिन करो आप लास्ट ईयर का फाइनल अकाउंट बना रहे हो, 2,000 आउटस्टैंडिंग था, तो क्या किया होगा आपने? लास्ट ईयर के लायबिलिटी और लास्ट ईयर के एक्सपेंस में ऐड हो चुका है, दिख चुका है. वापस दिखाओगे करंट ईयर एक्सपेंस में?
वापस दिखाओगे करंट ईयर लाइबिलिटी में? नहीं, थई गयू, पत्ती गयू। अच्छा, करंट ईयर की सैलरी एक्सपेंस में लिखनी चाहिए, करंट ईयर की है। नेक्स्ट ईयर की आप क्या करोगे, 4000 जो आपने पे की उसको क्या कर दोगे, हटा दोगे यहाँ से, एंड एसेट्स में दिखाओगे। तो अल्टीमेटली दिखेगी कितनी, ये साल के एक्सपेंडिचर में 12000। तो बोलने का मतलब रिसीट पेमेंट है ना, अंधा कानून है, रिसीट पेमेंट देखता ही नहीं है लास्ट ईयर का खर्चा पे किया कि करंट ईयर का पे किया कि नेक्स्ट ईयर का, वो क्या देखता है, रोकड़ा। रोकड़ा गया ना, एंट्री रिकॉर्ड होगी ना, लास्ट ईयर का देखेगा ना, करंट ईयर का ना, नेक्स्ट ईयर का ना, लास्ट टू लास्ट ईयर का ना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर का ना, लास्ट टू लास्ट टू लास्ट ईयर का ना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर का। कोई भी खर्चा पे किया वो किधर दिखेगा, रिसीट पेमेंट। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अपना गांधी का, विच ईयर्स एक्सपेंस यू आर गोइंग टू शो, ओनली दिस, ना लास्ट ईयर ना नेक्स्ट ईयर। खाली करंट ईयर का एक्सपेंस दिखाने का कोई कचरा मिलावट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इनकम में भी वही लॉजिक है, आपको इस साल की इनकम मिली, रोकड़ा मिला, कहां दिखेगा, रिसीट में दिखेगा। लास्ट ईयर की इनकम का पैसा आ गया, कुछ पेंडिंग थी, रिसीवेबल थी, वो भी कहां दिखेगा, रिसीट में दिखेगा। नेक्स्ट ईयर की इनकम एडवांस में आ गई, वो भी कहां दिखेगी, रिसीट में दिखेगी। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर कौन सी इनकम दिखाई, बाकी सब बैलेंस शीट में एडजस्ट होगा, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, रिसीव इन एडवांस, प्री रिसीव, प्रीपेड, वो सब उधर। इनकम में कितना दिखाएगा, खाली करंट ईयर का इनकम। इज दिस क्लियर? सो इनकम एक्सपेंडिचर ओनली करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंस, इधर सब भेलपुरी। अच्छा, ये रेवेन्यू कैपिटल वाला लॉजिक समझा, रिसीट पेमेंट में एसेट भी दिखता है, एक्सपेंस इनकम भी दिखता है, इनकम एक्सपेंडिचर में खाली एक्सपेंस और इनकम दिखता है। ये कैश बेसिस पे बन, ये कैश खाली देखता है, यहाँ पे कैश और नॉन कैश दोनों, ये कैश सिस्टम पे बनता है, ये अक्रू आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एडजस्ट करता है, और ये लास्ट ईयर करंट ईयर नेक्स्ट ईयर में कोई भेदभाव नहीं करता, ये करंट ईयर का ही आइटम्स रिकॉर्ड करता है। इसी चीजों पे बेस करके हम लोग चालू करते हैं फर्स्ट सम। टेक आउट द फर्स्ट सम ऑल ऑफ यू। फर्स्ट सम में पहले मार्क करना है, जो जैसे फाइनल अकाउंट में करते थे, कौन सा अकाउंट आपके नजरों के सामने है, कैश अकाउंट है, रिसीट पेमेंट मंजे कैश अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट दिख रहा है, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ भूल से भी मिक्सअप मत करना, दोनों का क्लियर है डिस्टिंक्शन। वो कैश अकाउंट है आपके सामने, कैश अकाउंट शुरू कहां से होता है, देयर इज सम ओपनिंग बैलेंस, राइट, इतने सारे सम्स में आपने किया ओपनिंग बैलेंस, फिर नीचे क्लोजिंग बैलेंस भी दिखता है कैश का, डेबिट और टू बैलेंस, बीडी, बाय बैलेंस, सीडी, कुछ दिख रहा है वहां पे, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस दिख ही नहीं रहा है, ओपनिंग बैलेंस है ही नहीं कैश का, ये फर्स्ट ईयर है ऐसा assume, मतलब दिस इज द फर्स्ट ईयर, दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिड यू गेट दिस, कैश का ओपनिंग बैलेंस है ही नहीं, मतलब दिस इज द फर्स्ट ईयर। हमने कैसे जिम खाना चालू किया था, मेरे भी एग्जाम्पल में आपको याद होगा, कैश का ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था, मेंबर से पैसा आया था शुरू में, ओके, वहां से कैश आया था, तो शुरुआत में ऑलरेडी कोई कैश नहीं था, तो फर्स्ट ईयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसीलिए ओपनिंग कैश नहीं है आपके पास। अच्छा, ओपनिंग कैश नहीं है, फर्स्ट ईयर है, तो कुछ लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बनेगा, ऐसे समझ, बनने का चांस है ही नहीं, बात समझ आई। चलो, पेमेंट साइड से मार्किंग चालू करो, सैलरीज कहां जाएगी, एक्सपेंडिचर राइट डाउन ई, सैलरी के बाजू में लिखो ई, ई फॉर एलिफेंट, कीप द वीडियोस ऑन, बिना वार्निंग के निकाल दूंगा अभी, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, न्यू टॉपिक है, मेरा दिमाग मत खराब करो। सैलरीज आर एक्सपेंस, ओके, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, एक्सपेंस, टेलीफोन, अभी आप फिलहाल क्या अज्यूम कर रहे हो, इसको एक्सपेंस में डाल के, जितना पे किया ना उतना एक्सपेंस है फिलहाल, जितना रोकड़ा दिया उतना आउटस्टैंडिंग प्रीपेड आपको एडजस्टमेंट में दिखेगा, जैसा फाइनल अकाउंट्स में दिखते हैं, ओके, फिलहाल जितना पे किया है उतना एक्सपेंस, गार्डनिंग एक्सपेंस, क्रिकेट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम, टेनिस एक्सपेंस, बिलियर्ड्स, ये आपका क्लब है, क्लब में जो एक्टिविटीज होती है ना, टेनिस, बिलियर्ड्स, क्रिकेट, उसका खर्चा दिया हुआ है,
और रिसीट साइड पे उसका रिसीट रहेगा, क्रिकेट फीस, टेनिस फीस, बिलियर्ड फीस, ओके, देन बार एक्सपेंस, एक्सपेंस बार मतलब दारू का एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट्स, एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, इसकी जर्नल एंट्री समझ में आ रही है आपको? एंट्री क्या होगी, ये लेजर है, समझो गार्डनिंग है, पेमेंट में दिख रहा है, हाँ, सैलरी टू कैश, गार्डनिंग टू कैश, स्टेशनरी टू कैश, इन्वेस्टमेंट्स टू कैश, आर यू गेटिंग दैट? ये आप पेमेंट्स में दिखा रहे हो, क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट है, ना पैसा गया। टूर्नामेंट एक्सपेंस ना बेटा ना, उसको सर्कल करो। उसके सामने आपको टूर्नामेंट फंड दिख रहा है, फंड का फंडा क्या होता है अभी समझो, कोई भी समय आपको फंड दिखा, क्या दिखा? फंड, टूर्नामेंट फंड हो सकता है, क्रिकेट फंड हो सकता है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंड हो सकता है। इसका मतलब क्या, हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमने ये साल एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की, हर साल नहीं करते, सिर्फ ये साल की, ओके, 25th एनिवर्सरी, 50th एनिवर्सरी, गोल्डन जुबली सेरेमनी, व्हाटएवर, एक क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की, उसके लिए फंड इकट्ठा किया, वो हमारी हो गई रिसीट, पैसा आया इनकम, और उसी पैसों से हमने खर्चा किया। अब क्या ये एक्टिविटी हर साल होगी? नहीं, नहीं। कैसे पता चला हर साल नहीं होगी? फंड, फंड देने का मतलब ये एक्टिविटी हर साल होने वाली नहीं, तो हर साल होने वाली चीज नहीं है ना, तो क्या आप उसको इनकम में दिखाओगे? नहीं। तो उस फंड को किधर दिखाने का? लायबिलिटी में दिखाने का। फंड को किधर दिखाने का? सर क्या कैपिटल फंड में ऐड करने का? नहीं, कैपिटल फंड में ऐड अलग से करने, अलग से दिखाने का। सर अलग से क्यों दिखाने का? अलग से इसके लिए दिखाने का क्योंकि कैपिटल फंड में जो पैसा होता है ना, कैपिटल फंड जो डोनेशन मेंबरशिप से आया हुआ है, उसका कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं है, उसका पैसा आप कोई भी एसेट में वापरो बिंदा। लेकिन ये टूर्नामेंट फंड का पैसा का यूज रिस्ट्रिक्टेड है, उसको किसके लिए वापरना है? खाली और खाली टूर्नामेंट का खर्चे के, और कहीं पे। तो टूर्नामेंट फंड लायबिलिटी में दिखाने का लेकिन अलग से, क्रिकेट फंड लायबिलिटी में दिखाने का लेकिन, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंड लायबिलिटी में दिखाने का लेकिन अलग, कोई भी फंड लायबिलिटी में दिखाने का लेकिन, इनका एक नाम है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इनको कहा जाता है एंडाउमेंट फंड। क्या कहा जाता है? एंडाउमेंट फंड, मंजे फंड विथ अ स्पेसिफिक पर्पस। एंडाउमेंट फंड मतलब फंड विथ अ स्पेसिफिक पर्पस। ये कैपिटल फंड नहीं है बेटा, कैपिटल फंड का पर्पस स्पेसिफिक नहीं होता, कैपिटल फंड किधर भी वापरो, फर्नीचर खरीदो, बिल्डिंग खरीदो, प्रीमाइसिस खरीदो, इक्विपमेंट खरीदो, आपकी मर्जी, कैपिटल फंड में कोई पर्पस, इसका पर्पस फिक्स है। टूर्नामेंट फंड किसके लिए लिया भाई? तो टूर्नामेंट फंड में से टूर्नामेंट उधर ही माइनस कर देंगे, इधर लायबिलिटी में से ही माइनस कर देंगे। एंट्री दोनों की अलग है, कैश टू टूर्नामेंट फंड एंड टूर्नामेंट एक्सपेंस टू कैश। लेकिन जब ट्रांसफर करोगे ना, तब इनकम एक्सपेंस में ट्रांसफर नहीं करने का, फंड को डालने का लायबिलिटी में, और एक्सपेंस को फंड में से माइनस करके दिया, उसकी एंट्री होगी टूर्नामेंट फंड टू टूर्नामेंट एक्सपेंस, ट्रांसफर एंट्री होगी फंड टू एक्सपेंस, सॉरी, बड़ा कम भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है टूर्नामेंट फंड 1000 है, टूर्नामेंट एक्सपेंस 800 है, 200 बच जाएगा, नेक्स्ट ईयर वापरोगे कहीं पे, लेकिन ये घड़ी घड़ी आने वाला, एक बार आया है ओकेशनली, मोस्टली कमी हो, ज्यादा नहीं हो, तो एक्सपेंस में दिखाते हैं, एक्सपेंस ज्यादा हुआ फंड से तो एक्सपेंस में, मतलब टूर्नामेंट फंड 1000 है और एक्सपेंस हो गया 1200, नहीं खर्चा हो गया, पेमेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग नहीं, पेमेंट हो गया, इधर 1000 दिया और इधर 1200 दिया, आया 1000, ऐसा भी होता है कभी कभी, ज्यादा हो जाता है ओवर बजट, टूर्नामेंट का फंड आया कितना और खर्चा हो गया, तो 1000 माइनस 1000 दिखाओ ऐसे लायबिलिटी में, फंड माइनस एक्सपेंस 1000 माइनस 1000, और एक्स्ट्रा 200 एक्सपेंस, एक्स्ट्रा 200 एक्सपेंस, ओके, नहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, फंड में ही रखना है, नेक्स्ट ईयर शायद कुछ और टूर्नामेंट कुछ हो छोटा वोटा कुछ, उसमें तो एक्टिविटी में काम आएगा, या 5-6 साल बाद जब हुआ तब वो फंड में से पैसा निकाल, तो फंड्स का छोटा वो तो उसका
पता नहीं कुछ तो है उसको समझ में आ जाता है गिर रहा हूँ तो मैं कैमरा अंडर डाल ये तो मजबूत है बेचारा बहुत बार गिरा है दिख रहा है क्या दिख रहा है बराबर से हेलो घर वाले चलो अभी टूर्नामेंट फंड या किसी भी प्रकार का फंड दिखेगा आपको तो वो जो है इज इट अ कंसिस्टेंट रिसीट कैपिटल रिसीट बट विल यू एड इट टू कैपिटल फंड नो शो देम सेपरेट और जो भी खर्चा है विल यू शो दैट खर्चा अंडर योर एक्सपेंस नो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रिस्पेक्टिव फंड तो इधर क्या लिखने का टूर्नामेंट एक्सपेंस के बाजू में लेस फ्रॉम टूर्नामेंट फंड लेस फ्रॉम टूर्नामेंट फंड फर्नीचर एसेट स्पोर्ट्स मटेरियल नहीं अभी स्पोर्ट्स मटेरियल है ना कोई भी मटेरियल दिया है ना आपको ये वापस थोड़ा ये सब एनपीओ का है माया क्या करना कोई भी मटेरियल दिखेगा स्पोर्ट्स मटेरियल बार मटेरियल क्रिकेट मटेरियल ओके मटेरियल है ना दोनों हो सकता है कभी एसेट हो सकता है कभी एक्सपेंस जॉली जिम खाना है कभी कभी क्रिकेट ऑर्गेनाइज करता है क्रिकेट का पैड ग्लव स्टंप वो रखा रहता है उसके पास 10 साल वापरेगा उसको दैट इज कॉल्ड एसेट लेकिन शिवाजी पार्क जिम का वो क्रिकेट ही करवाता है पूरा साल भर क्रिकेट ही चालू रहता है उधर कोचिंग चालू रहता है ना तो उसके इधर हर साल यूज होते रहेगा मटेरियल रोज हर साल नया पैड ग्लव स्टंप इक्विपमेंट लगता रहेगा उसको क्रिकेट का तो इन सच अ केस दैट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस क्योंकि हर साल यूज हो रहा है वहां पे दोनों में फर्क समझा एसेट का मतलब आप लाके रखते हो और उसको वही वापर रहे हो 10 साल तक 10 साल तक टिक रहा है दैट विल बिकम योर एसेट बट हर साल ग्लव्स पैड्स फ्रॉम हर साल यूज कर रहे हो हर साल खराब हो रहा है बेच निकाल रहे हो दूसरा ले रहे हो खराब हो रहा है निकाल रहे हो दूसरा ले रहे हो देन इट विल बी ट्रीटेड एज योर एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंस राइट ये प्रैक्टिकल चीज मैंने बताई थियोरी में क्या देखने का डेप्रिसिएशन है कि सेल है सब में देखने का डू यू हैव डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल या सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है डेप्रिसिएशन या सेल ये दो वर्ड दिख रहा है आपको कहीं पे डेप्रिसिएशन दिख रहा है चेक करो डेप्रिसिएशन दिख रहा है आपको कहीं पे सेल वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक नहीं बेटा फर्नीचर फर्नीचर है ना फर्नीचर नहीं यार स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स मटेरियल का सेल और स्पोर्ट्स मटेरियल स्पोर्ट्स मटेरियल स्पोर्ट्स मटेरियल का सेल या स्पोर्ट्स मटेरियल का डेप्रिसिएशन दिख रहा है क्या आपको ना ना क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है Is it depreciation? No. Is it sale? It is closing stock. So treated as expense. Treated as? Expense. आपने किया होगा एक adjustment stock of stationery in final accounts. Yeah, stock of stationery. मतलब क्या बच गया? मतलब क्या prepaid? तो ये वही है. Prepaid. Stock मतलब prepaid. Prepaid मतलब expense. बात समझ आई? Stock मंजे prepaid. Closing stock मंजे prepaid. So in this particular problem, you will treat your sports material as your expense. और एसेट एक्सपेंस एसेट कब ट्रीट करने का जब आपके पास सेल हो या सेल किसका होता है डेप्री किस पे होता है मिल गया आपको आंसर सेल या डेप्रिसिएशन है तो ट्रीट दैट मटेरियल एज एसेट अदरवाइज ट्रीट इट एज एक्सपेंस ओके तो याद रखना ये सब पॉइंट्स मैं आपको लिखवाऊंगा भी फिलहाल आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल यहाँ पे क्या ट्रीट करना है एक्सपेंस कुछ नहीं दिया तो क्या एक्सपेंस क्या दिया है तो एसेट आइदर डेप्रिसिएशन या फिर सेल दोनों में से कुछ भी दिखा मतलब इट इज एसेट अदरवाइज एक्सपेंस करंट अकाउंट बैलेंस एंड कैश बैलेंस ये दोनों क्या है ये है क्या किसका बैलेंस ये बैंक अकाउंट है कैश अकाउंट है इसका क्लोजिंग बैलेंस है ये कहाँ डालते हो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस
इतने सारे सम के एडमिशन रिटायरमेंट डेट डिसॉल्व डिसॉल्व में तो बंद हो जाए एडमिशन रिटायरमेंट डेट सब में कैश बैंक अकाउंट बनाते हो और किधर जाता है बैलेंस क्लोजिंग एसेट्स में जाता है ना बचा हुआ एसेट है वो तो क्लोजिंग बैलेंस इतना कैश बच गया हमारे एग्जाम्पल में भी मैंने डाला था याद होगा वो 1,13,14,000 कुछ आया था रिसीट माइनस पेमेंट ओके सो इतना बेसिकली कैश क्या है एसेट है तो रिसीट मतलब इतना कैश आया पेमेंट मतलब इतना कैश लास्ट में इतना कैश वो करंट ईयर का एसेट और नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस फिर और कैश आएगा और जाएगा बात समझ आई तो कैश लाइक एनी अदर एसेट क्लोजिंग बैलेंस विल गो टू बैलेंस शीट एसेट 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 सब्सक्रिप्शन किधर जाएगा हमेशा किधर जाएगा सब्सक्रिप्शन इनकम हमेशा इनकम बार रिसीट इनकम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इनकम क्रिकेट फीस टेनिस फीस बहुत साना ऑर्गेनाइजेशन है सब्सक्रिप्शन भी लेता है और हर एक एक्टिविटी वापरने का पैसा लेता है टेनिस खेलने का पैसा ला बाहर में जाने का पैसा ला क्रिकेट खेलने का पैसा ला जिसको खेलने का वो खेलो नहीं खेलने का है चुपचाप बैठो गार्डन में समझा तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि हर एक एक्टिविटी का पैसा अलग अलग ले रहा है अलग अलग ले रहा है अलग अलग खर्चे है ना बिलियर्ड फीस इनकम लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में अगर कुछ नहीं दिया होता तो किधर दिखाते कैपिटल रिसीट होता अभी अभी हमने देखा कैपिटल फंड में ऐड होता है यस और नो कैपिटलाइज दिया हुआ भी है नहीं दिया होता तो भी कैपिटल रिसीट यहां पे पढ़ो क्या दिया डोनेशन एंड लाइफ मेंबरशिप फीस वेयर टू बी कैपिटलाइज कैन यू सी दैट मिला वो चीज वो एडजस्टमेंट नहीं है वो आपको रास्ता दिखा रहा है कि क्या करना है कैपिटलाइज करना है कि रेवेन्यू में डालना है आप अंधे हो वो बता रहा है कैपिटलाइज करना है कि रेवेन्यू बोल रहा है आपको क्या करना है कैपिटलाइज करना है तो ऐड टू कैपिटल फंड ऐड टू डोनेशन सर मालूम नहीं है क्या करने का देखो पढ़ो उधर डोनेशन दिया है लायबिलिटी एंड हाफ एक्सपेंस जब कोई रास्ता दिखा रहा है तो रास्ता देखने का को हड़काने का नहीं मैं जाएगी ऐसा वो दे रहा है ना उधर इंस्ट्रक्शन तो पढ़ो उधर क्या दिया डोनेशन इज टू बी तो क्या करने का ये सब में इनकम में डालने का मेरे को रास्ता नहीं चाहिए मैं खड्डे में गिरेगा इनकम में डालने का ऐड टू कैपिटल फंड ऐड टू कैपिटल फंड लायबिलिटी में ऐड टू कैपिटल फंड लिखो प्लस सीएफ सीएफ में ऐड अलग से मत घुसा देना लायबिलिटी में मर्जी हो वैसे कैपिटल फंड में ऐड अगर कुछ इन्फो नहीं होता तो डोनेशन का इंफॉर्मेशन नहीं होता तो रेवेन्यू ओके वो शॉर्ट फॉर्म याद रखना व्हाट वाज़ द शॉर्ट फॉर्म सैड जी सब्सक्रिप्शन एडमिशन ग्रांट एंड डोनेशन कुछ नहीं दिया है तो रेवेन्यू एंट्रेंस फीस मालूम नहीं है क्या करने का डोंट वरी क्वेश्चन में दिया है हाफ ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज आधा कैपिटलाइज करना है और आधा सर ऐसा कैसा अब ये ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा अतरंगी है ये क्या बोल रहा है एंट्रेंस फीस मतलब आपको एडमिशन पे भरने का है कितना भरने का है 3,000 रुपया भरने का है तो उसने कुछ ऐसा स्कीम बना के रखा है कि 3,000 में से 1,500 वन टाइम भरो और 1,500 बाद में तो हर साल जो भी मेंबर आएगा उसे 1,500 लमसम लेगा 1,500 बाद में हर साल थोड़ा थोड़ा लेते रहे वैसा है तो ये वही एग्जांपल है अपना कि हर साल मेंबर्स आ रहे हैं बोलने का हर साल मेंबर्स आ रहे हैं तो थोड़ा कैपिटलाइज थोड़ा रेवेन्यू तो आपको क्वेश्चन में दिया तो उसके हिसाब से ब्रेकअप कर देना कभी बोलेगा 60-40 कभी बोलेगा 75-25 तो क्या करने का इसको हाफ हाफ आधा इनकम आधा कैपिटल आधा इनकम आधा कैपिटल ओके लेकिन अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होता तो क्या बोला था एंट्रेंस फीस के बारे में पूरा कैपिटल इंफॉर्मेशन नहीं है तो पूरा का पूरा कैपिटलाइज याद रखना सैड जी ओके हाँ एडमिशन फीस रेवेन्यू क्या एंट्रेंस फीस के बारे में लिखो एड टू कैपिटल फंड कॉमा इनकम
आधा एड टू कैपिटल फंड और आधा इनकम, ठीक है। अभी आ जाओ एडजस्टमेंट में। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर आर 550। इधर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन इज इट एन इनकम और एन एक्सपेंस? इनकम है। इनकम आउटस्टैंडिंग का मतलब रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल का दो इफेक्ट क्या होता है? एसेट्स एंड एड टू सब्सक्रिप्शन। इज दिस क्लियर? लाइबिलिटीज नहीं होता है। आउटस्टैंडिंग है क्या? गुड, लाइबिलिटी ऐसा मत डाल देना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग इनकम भी हो सकता है। तो सब्सक्रिप्शन इनकम है। सो एड टू इनकम एंड एसेट, एड टू इनकम एंड एसेट मिलना बाकी है। सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 वर रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, व्हाट आर द टू इफेक्ट? लायबिलिटी एंड लेस फ्रॉम इनकम। सर ऐसा कैसा? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल भी है और रिसीव्ड इन एडवांस भी है। कोई मेंबर ने नहीं दिया, कोई मेंबर 150 है ज्यादा दे दिया। इज दिस क्लियर? दोनों हो सकते हैं। जिसने सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एड टू इनकम एंड एसेट, रिसीव्ड इन एडवांस लेस फ्रॉम इनकम एंड लायबिलिटीज। सैलरी इज अनपेड म्हणजे क्या होगा? दो इफेक्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी का, एड टू सैलरी एंड लायबिलिटी। मतलब जो ऊपर सैलरी दी है ना 1000, वो 1000 क्या है? वो 1000 पेड है, लेकिन इनकर कितना हो गया? 1200 हो गया। दिख रहा है आपको? तो 200 रुपए आप ऐड करके दिखाओ लायबिलिटी में। समझ में आ रही है बात? तो हम लोग कैश को अक्रूवल में कन्वर्ट कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड सब करके। इंश्योरेंस प्रीपेड 50 रुपया, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस एंड एज। ऊपर देखो इंश्योरेंस कितना दिख रहा है आपको? 100 क्या? 100 का 100 करंट ईयर का है? 85 ये साल का है। 50 कौन से साल का है? नेक्स्ट ईयर का है। ऊपर कितना दिख रहा है? 100। आपको बताया था रिसीट पेमेंट कोई भेदभाव नहीं करता, वो तो खाली रोकड़ा देखता है ना कितना गया। रोकड़ा कितना गया आपका? 100 रुपया, लेकिन उसमें से करंट ईयर का एक्सपेंस कितना है? 50। बाकी 50 क्या है? प्रीपेड, लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड एसेट। हाफ ऑफ एंट्रेंस फीस हो गया, डोनेशन लाइफ मेंबरशिप फीस हो गया। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड म्हणजे रिसीवेबल, रिसीवेबल एड टू इंटरेस्ट एंड एसेट, एड टू इंटरेस्ट एंड एसेट। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक म्हणजे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी म्हणजे प्रीपेड। स्टॉक मीन्स प्रीपेड। व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? लेस फ्रॉम, यहाँ पे स्पोर्ट्स मटेरियल, लेस फ्रॉम स्पोर्ट्स मटेरियल एंड एसेट्स। ऑल ऑफ यू गॉट दैट? अपने को फाइनल अकाउंट में कौन सा क्लोजिंग स्टॉक दिखता है नॉर्मली? गुड्स का, वो भी प्रीपेड गुड्स ही है। खाली ट्रेडिंग क्रेडिट और एसेट दिखा दिए। ट्रेडिंग क्रेडिट मतलब क्या? लेस फ्रॉम परचेस, वही हुआ ना, वो गुड्स का स्टॉक था। स्टेशनरी का स्टॉक क्या करते? लेस फ्रॉम स्टेशनरी एंड एसेट। तो स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक क्या करने का? लेस फ्रॉम स्पोर्ट्स मटेरियल एंड एसेट। सिंपल, स्टॉक का मतलब समझा? ऊपर देखो, ऊपर स्पोर्ट्स मटेरियल कितना दिया? मतलब आपने तो लाव लट में 1000 रुपए का खरीद लिया, लेकिन क्या यूज हुआ 1000 रुपए का? कितने का यूज हुआ? 700 का। 300 बच गया ना, वो कब वापरोगे? करंट ईयर का एक्सपेंस है कि नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस? तो हटाओ, लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड एसेट। पढ़े सर, अगर स्पोर्ट्स मटेरियल एसेट होता तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता ना? एसेट होता तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता। ओके, एसेट पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा, एक्सपेंस पे होगा। नाउ डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग आता है आपको, हमने भी देखा था एग्जांपल में। डेप्रिसिएशन वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेंस, क्या करना है? पीएनएल के जगह एक्सपेंस, लेस फ्रॉम एसेट एंड एक्सपेंस। गिव द डॉट्स, डॉट्स मतलब जो जो आइटम पे एडजस्टमेंट है। सब्सक्रिप्शन पे 2 डॉट करना, क्यों 2 डॉट समझा आपको? सैलरी पे 1 डॉट, इंश्योरेंस पे 1 डॉट। 1 मिनट, सब्सक्रिप्शन 2, सैलरी इज 1, इंश्योरेंस 1, एंट्रेंस फीस, डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस 1, स्पोर्ट्स मटेरियल 1, स्पोर्ट्स मटेरियल 1 डॉट, फर्नीचर 1, 1 मिनट, बिल्डिंग 1, आई रिपीट,
अरे एक मिनट रुकना, मर रहा है तरस से, एक मिनट रुक। सब्सक्रिप्शन 2 डॉट, सैलरी 1 डॉट, इंश्योरेंस 1 डॉट, लैंड एंड बिल्डिंग 1 डॉट, फर्नीचर 1 डॉट, स्पोर्ट्स मटेरियल 1 डॉट, लाइव मेंबरशिप फीस, डोनेशन एंट्रेंस फीस 1 डॉट ईच। इज दैट क्लियर? इन्फॉर्मेशन दिया है ना ब्रेकअप का? हाँ तो ब्रेकअप है ना, तो आओगे उसके सामने तो देखोगे ना तुम पीछे, इसके लिए नहीं करने का तो मत करो, याद रह जाता तो मत करो भाई। कैपिटलाइज, अब वही इंफॉर्मेशन दिया है ना, तुम डॉट देखोगे तो पढ़ोगे क्या करना है, आधा पूरा, ध्यान रह जाता तो मत करो डॉट, इट्स फाइन। इंटरेस्ट पे भी एक डॉट होगा ना? एक मिनट, इंटरेस्ट पे भी डॉट है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, यस इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 1 मोर डॉट। चलो ड्रॉ करो साथ में करते। हाँ भाई जा, इधर का मत पीना, बाहर जाते पहले माले पे कूलर। चलो फटाफट, आज एक ही सम करना है, इज्जत से करो। टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड लायबिलिटी एंड टूर्नामेंट एक्सपेंस फंड में से माइनस, ऐसा पूरा लिखने का इन द बुक्स ऑफ, किसका बुक में लिख रहे हैं, डॉट डॉट डॉट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 07, ठीक है। एंड उसके साथ आपको बनाने का है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 07, दिस इज लायबिलिटीज। सर नया बुक बनाना है ना? कितनी बार बोलूं, न्यू बुक फॉर एनपीओ। और जैसा आपका टेस्ट खत्म होगा ट्यूसडे को, वेनसडे से बुक सबमिशन है। हाँ इधर है, अभी बुक लेके आना। एक ही बैच में बनाने का है ना? रिटायरमेंट डेथ एक में, डिसॉल्यूशन का अलग बुक चाहिए। वो तो मैंने खाली 6-7 सम किया, मेरे को पूरा बुक चाहिए। सर ये दोनों के दोनों जो भी बनाने के, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट एक पेज में आ जाएगा? नहीं 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 नहीं, नहीं अलग साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड टू साइड, एक साइड में मत करना भाई, सब खिचड़ी हो जाएगा। लेफ्ट साइड राइट साइड टू अकाउंट, दो ही चीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, ये लेफ्ट साइड या राइट साइड, दो साइड, टू फ्रंट साइड। So the balance from income and expenditure account will go to capital fund? Yes, surplus ya debt, just like profits. Please be quiet. Chalo, start karo fatafat. Is this the first year or a continuing year? First year. Let's begin with expense side से चालू करना, payment से चालू करना, salaries. किधर जाएगा salaries? हाँ opening balance नहीं था इसके लिए, very good. Salaries कितना है? 1000 रुपये। मुझे बताओ कोई डॉट है क्या salaries पे? क्या करने का है? इधर ही add कर दो outstanding salaries, कितना संभाल के जा आराम से, 200 रुपया है, तो ये 200 हो गया ऐड, ये हो गया कितना 1200। अपना सेम टेक्निक वी आर यूजिंग, डॉट वाला इफेक्ट कभी का कभी, सेकंड इफेक्ट एट दी एंड, बराबर है? तो टू सैलरीज, देन व्हाट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डू यू हैव एनी डॉट है, कुछ है क्या? आउटर कॉलम 100 रुपया, इसका मतलब क्या डॉट नहीं है, मतलब जितना पे किया ना उतना ही एक्सपेंस है, ना ज्यादा ना कम।
टेलीफोन इज देयर एनी डॉट 150 रुपया गार्डनिंग इज देयर एनी डॉट क्रिकेट इज देयर एनी डॉट इंश्योरेंस पे है ना क्या है इंश्योरेंस पे बोलो प्रीपेड प्लस करना है कि माइनस 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 बराबर है प्रीपेड इंश्योरेंस है आपका देन टेनिस ये टेनिस वेनिस का मतलब ये खर्चा है उनका टेनिस का बिलियर्ड्स बिलियर्ड्स पूल अरे वो स्नूकर स्नूकर बिलियर्ड पूल बार एक्सपेंस अपना एक इंडियन बहुत इसमें फेमस है वर्ल्ड चैंपियन हुए पंकज अडवाणी पंकज अडवाणी शायद मैं तो खेला भी दो तीन बार लाइन आता भी नहीं है खेलने को बराबर बार एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट इज एसेट नो डॉट राइट लैंड एंड बिल्डिंग डॉट है राइट लेस डेप्रिसिएशन कितना टका 2.5 बन जाए आई थिंक 500 रुपया होता है ना बराबर है क्या वॉट विल यू डू अबाउट टूर्नामेंट एक्सपेंस विल यू शो टूर्नामेंट एक्सपेंस इन एक्सपेंस कोई भी फंड है ना पहले तो उसको लायबिलिटी में डाल देने का काहे लायबिलिटी में डाला काहे फंड को क्यों मैंने उठा के लायबिलिटी में डाला क्यों इनकम में नहीं डाला क्यों एक्सपेंस को एक्सपेंस में नहीं डाला क्या ये रेगुलर इनकम है नहीं बहुत रेयर है इसके लिए फंड बनाया टूर्नामेंट रिसीट दिया होता ना टूर्नामेंट रिसीट और टूर्नामेंट एक्सपेंस तो इनकम एक्सपेंस मतलब वो हर साल ऑर्गेनाइज करता है टूर्नामेंट टूर्नामेंट रिसीट या टूर्नामेंट एक्सपेंस दिया है तो फंड दे दिया फंड मतलब ऐसा बत्ती चमकना चाहिए फंड फंड हर साल मिलने वाला नहीं है ओके तो टूर्नामेंट फंड इज लायबिलिटी और लेस टूर्नामेंट एक्सपेंस उधर से ही माइनस करके दिखा बचा कुछ नहीं तंबूरा नील 1000 माइनस 1000 फर्नीचर वेयर विल यू शो फर्नीचर एसेट ये कब खरीदा ऑर्गेनाइजेशन ये फर्नीचर ये बिल्डिंग ये सब यही साल खरीदा डेप्रिसिएशन कैसा हो गया ये साल खरीदा तो भी स्टार्ट ऑफ द ईयर खरीदा था पूरा साल वापर के एंड ऑफ द ईयर हम लोग बना रहे हैं सर दिमाग चलाओ साथ साथ में छापो मत खाली 5% कितना होता है 60 इज दिस क्लियर सेकेंड ईयर अप्रिशिएट तो होने वाला ना फर्नीचर थोड़ी रुक जाएगा वापरने का भी बोलते हैं देन स्पोर्ट्स मटेरियल एसेट ट्रीट करना है कि एक्सपेंस व्हाई स्टॉक दिया है डेप्री और सेल नहीं दिया है स्टॉक दिया है तो टू स्पोर्ट्स मटेरियल क्या करने का स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है 1000 पे लेस स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है स्टॉक 300 ये कितना हो जाएगा 700 बराबर है सेकेंड इफेक्ट देंगे बाद में एंड में आराम से बढ़ो आगे करंट अकाउंट बैलेंस बैंक एंड कैश बैंक बैलेंस कितना है 1000 करंट अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट और कैश बैलेंस कितना है 680 subscriptions where you will put subscriptions
इनकम कितना है 1100. देयर आर टू डॉट्स ऑन सब्सक्रिप्शन, बराबर है. व्हाट आर द टू डॉट्स? आउटस्टैंडिंग बी और एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 550 और लेस प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये ज्यादा मिल गया, डेढ़ साना ज्यादा भर गया. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस नेक्स्ट ईयर का अभी आ गया, कितना है वो 100 रुपया है ना, बराबर है ना. कितना है वो, कितना होता है ये अभी 450 माइनस करो 650 आएगा 650 इन द आउटर कॉलम. व्हाट इज दिस 650? ये अर्नड इनकम. 1100 क्या थी, रोकड़ा आया या रोकड़ा पूरा का पूरा ये साल का था? 1550 आएगा ना, ऐड है ना. अरे अरे सॉरी 1550 इज कमाया हुआ है. 1100 क्या था, रिसीव्ड था. क्या 1100 था करंट ईयर का इनकम? 550 मिलना, क्या ये बाकी मिलना बाकी था वो रिसीव पेमेंट में दिख सकता है? पॉसिबल ही नहीं, समझा? कि ये मिलना बाकी है, रिसीट में क्या दिखता है, जो मिल चुका है, रोकड़ा आ चुका है, बराबर है. तो ये दिख ही नहीं सकता. 100 रुपया इसके अंदर पड़ा था, ये ज्यादा मिल गया, ये साल का इनकम नहीं है, हटाया. समझ में आई बात? तो रिसीट पेमेंट पूरा खाली रोकड़ा दिखा, हम लोग यहाँ पे फिल्टर आउट करके कमाई हुई इनकम दिखा, कितना कमाया ये साल. बार रिसीट किधर जाएगा? बार रिसीट, बार रिसीट इज इनकम. कितना होता है 600 रुपया. इज देयर एनी डॉट? नो. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे कोई डॉट है? क्या है बोलो, क्या है? आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल है, तो क्या करने का? एड इंटरेस्ट रिसीवेबल. कितना है? तो कितना हो गया ये 250. फिर क्या है? क्रिकेट फीस. इज देयर एनी डॉट? क्रिकेट फीस पे कोई डॉट नहीं है, ये भी 250. देन टेनिस फीस. इज देयर एनी डॉट? नो डॉट. देन बिलियर्ड फीस. इज देयर एनी डॉट? है कि नहीं? नहीं है. लाइफ मेंबरशिप फीस, क्या करना है लाइफ मेंबरशिप फीस का? कैपिटलाइज पूरा की आधा. शुरुआत में कोई कैपिटल फंड होगा? होगा. क्यों? क्यों शुरू में कोई कैपिटल फंड नहीं है? फर्स्ट ईयर अभी पैसा आ रहा है मेंबर से. एड लाइफ मेंबरशिप फीस कितना है? 2000 पूरा का पूरा कैपिटल है. डोनेशन भी क्या करना है बोलो? डोनेशंस कैपिटलाइज करना है, पूरा का पूरा डोनेशन कैपिटलाइज करना है. एंट्रेंस फीस क्या बोला है? आधा. कैसा करने का? आधा. देखो ध्यान से प्रेजेंटेशन देखो जरा, इधर लिखने का पहले बाय एंट्रेंस फीस कितना है? 3000. ओके, लेस कैपिटलाइज हाफ मतलब 1500 और इधर 1500 और इधर एड एंट्रेंस फीस हाफ दैट इज 1500. डायरेक्टली आधा आधा मत कर देना, कैसा प्रेजेंट करना है समझा? पहले पूरा लिखो इनकम में, फिर आधा निकालो. ओके, आउटर कॉलम 1500 और इधर 1500. अगर 40% होता तो 40% कम करके इधर 40% दिखा, 60% होता तो इधर पूरा दिखा के 60% माइनस करके इधर 60%. ओके, कोई भी आइटम, एंट्रेंस फीस, डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस, लेगेसी, सब में से ऐड हो जाएगा प्रॉफिट के जैसा. टूर्नामेंट फंड हो चुका है हमारा. एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट अभी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, मुझे बताओ फर्स्ट इफेक्ट इज योर एड टू सब्सक्रिप्शन, व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग? बोला लाइब्रेरी कौन था वो टोपा? लायबिलिटी नहीं है, इनकम है ना यार. इनकम आउटस्टैंडिंग है तो क्या हो गया, वो रिसीवेबल है, दैट इज एसेट.
आउटस्टैंडिंग वर्ड देख के कूद मत पड़ना, कुएं में गिरोगे. दिस इज 550. आउटस्टैंडिंग इनकम इज एसेट, रिसीवेबल, मिलना बाकी है. देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एक इफेक्ट इधर है, लेस फ्रॉम इनकम. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? लायबिलिटी. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है? प्री रिसीव्ड भी लिख सकते. यस. देन टेक इट आउट, सैलरी इज अनपेड. व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? ऐड टू सैलरी किया है. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? लायबिलिटी लिख दो. आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना है? 200 रुपया. टेक इट आउट. प्रीपेड इंश्योरेंस, वन इफेक्ट इज योर लेस फ्रॉम इंश्योरेंस. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? एसेट्स में लिखना है प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? 50 रुपीज. नेक्स्ट, हाफ ऑफ एंट्रेंस हो चुका है, डोनेशन लाइफ मेंबरशिप फीस हो चुका है. इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीवेबल, ये रहा, कहां गया? ये रहा. एड इंटरेस्ट रिसीवेबल. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? बोलो. एसेट. नीर गिंद्रा समझाए छे. इनकम रिसीवेबल इज एसेट, एक्सपेंस पेएबल इज लायबिलिटी. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ये रहा प्रीपेड, लेस फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड एसेट. स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स कितना है? 300 रुपया. बराबर है. नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन, वन इफेक्ट इज योर लेस फ्रॉम लैंड, लेस फ्रॉम फर्नीचर. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? टू डेप्रिसिएशन, नॉन कैश एक्सपेंस है, ऊपर नहीं दिखेगा. लैंड एंड बिल्डिंग पे है 500, फर्नीचर पे है 60 रुपया, टोटल 560. हो गया दोनों इफेक्ट, सब एडजस्टमेंट डन. सब बंद कर ऐसा क्या होगा? ये विच साइड इज ग्रेटर? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट में कैसे आया? क्योंकि सब्सक्रिप्शन इनकम है. इनकम आउटस्टैंडिंग मतलब इनकम रिसीवेबल, जैसे इंटरेस्ट रिसीवेबल है वैसे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल. आउटस्टैंडिंग ये वर्ड देख के कंफ्यूज मत हो जाओ, दोनों के लिए यूज हो सकता है. आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग इनकम भी हो सकता है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इनकम इज एसेट. करो टोटल, करो. एनीवन हैज डन द टोटल? डेबिट बढ़ा रहा है क्या रहा है? 5080 चेक करो, डेबिट बढ़ा रहा है 5080. तो ये क्या है, सरप्लस है कि डेफिसिट है? डेफिसिट है, डेफिसिट है. तो इधर क्या लिखने का? बाय डेफिसिट. और क्या लिख सकते हो? दिस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम. नहीं नहीं, एडिशनल इंफॉर्मेशन. बाय डेफिसिट इज इनफ, चलेगा. बाय डेफिसिट कितना आ रहा है? डेफिसिट 3150. और ये कितना आ रहा है फिर? 1930. डेफिसिट हो गया तो क्या करना है? प्लस की माइनस? कर. घर पे किसी ने किया? आई डोंट नो. ओ भाई मैनेजिंग डायरेक्टर कौन करेगा सॉल्व? बाजू वाला करेगा. 380 आ रहा है माइनस करके. क्या करोगे? डेफिसिट है तो प्लस करोगे फंड में से? माइनस. समझा क्यों माइनस? कैश उतना कम हो जाएगा और फंड भी उतने से कम हो जाएगा, लॉस हो गया. इज दिस क्लियर? लॉस नहीं बोलना है, क्या बोलना है? और प्रॉफिट नहीं बोलना है, क्या बोलना है? सरप्लस. टू सरप्लस या बाय डेफिसिट, खर्चा ज्यादा इनकम कम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम. इसको माइनस करो यहां से, माइनस डेफिसिट.
27,920 और टोटल टैलीज ऑन 27,920 एसेट साइड देखा एसेट साइड देखो भाई चेक द एसेट साइड एक्चुअली ये करेक्ट रहता है उसमें कुछ चेंज नहीं होता हाँ एसेट राइट रहेगा तो कभी भी टोटल पकड़ के चलना हाँ 451 राइट है बराबर है 28,220 करवा ओके ओके ऑल फॉर द डे वी स्टॉप रिवाइज एंड कम कुछ डाउट्स है तो रुको अदरवाइज यू कैन लीव टाटा बाय बाय स्वीटी सर इसका फॉर्मेट बनाना है नहीं नहीं कुछ फॉर्मेट नहीं बनाना है मैं बताऊंगा तुम्हें दो मिनट लगेगा नहीं अभी 2-3 सम